प्यारे दर्शकों, बहुत कोए भक्त अघोरी तांत्रिक पूजा करवाना चाहता है, लेकिन सही गुरुजी नहीं मिलने के कारण वह सब भक्त अपना पूजा नहीं करवा पाते हैं। गुरुजी श्री राजू तंत्र शास्त्री जी बंगाल में अघोर तंत्र पूजा करते हैं। अगर आप तारापीठ या शमशान में या गुरुजी के आश्रम में पूजा करवाना चाहते हैं तो स्वयं आकर बैठकर या फिर आप वीडियो कॉल पर अपना पूजा करवा सकते हैं। प्रमाण के साथ वीडियो प्रस्तुत किया जा रहा है कैसे तारापीठ या महाशमशान में या गुरुजी के आश्रम में अघोरी हवन कुंड में पूजा होते हैं। प्यारे भक्तों, आप किसी से भी अघोरी या तांत्रिक पूजा करवाना चाहते हैं, पहले आप वीडियो कॉल करके देख ले, फिर विश्वास करें। हमारे गुरुजी जब आश्रम में होते हैं तब आपका वीडियो कॉल जरूर उठाएंगे। आप बात करके गुरुजी से सही सलाह ले सकते हैं। आप भक्तों हमेशा रिजल्ट के पीछे भागते हो, इस कारण से जीवन में आपको सही कार्य सिद्ध नहीं होते हैं। आप कर्म के पीछे भागो, भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से आपको सही परिणाम जरूर मिलेगा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि उसकी समस्याएं दूर हो जाए, उसकी समस्याओं का समाधान हो जाए, लेकिन हर किसी के बस की नहीं हो पाता, या फिर कहें कि हर किसी के नसीब में नहीं होता कि जो वह चाहे उसको उस चीज की प्राप्ति हो जाए। तो आज मैं आपको एक और वशीकरण का ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे आप किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं, अपनी मनचाही चीजों की प्राप्ति कर सकते हैं, या फिर कहें अपने बिगड़े काम बना सकते हैं। और ये उपाय बहुत ही सरल है। ये उपाय जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वह है नाभि पर उंगली रखकर किसी को भी किया जा सकता है अपने वश में ऐसा उपाय। तो इस उपाय को करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, लेकिन आप सोच रहे होंगे कि बहुत अजीब सा उपाय है, आखिरकार नाभि पर उंगली रखकर कौन करता है किसी का वशीकरण। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप नाभि पर उंगली रखकर किसी का भी वशीकरण कर सकते हैं, और इस उपाय को करने से बहुत से लोगों को लाभ भी हुआ है। तो चलिए आप नोट कीजिए कि कैसे करना है ये उपाय, क्योंकि इस उपाय को करने के बाद आपकी समस्या दूर हो जाएंगी, आप किसी को भी अपने वश में कर लेंगे। क्योंकि आप कभी कभी ऐसा सोचते होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल सच है, क्योंकि हमारे गुरु जी हैं वह सिद्ध गुरु जी हैं। जैसे हम आपको बताएंगे उस हिसाब से अगर आप वह कार्य करेंगे तो 100% आपकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएंगी। जी हाँ दोस्तों, अपनी नाभि पर उंगली रखिए। अपनी नाभि पर उंगली रखने के बाद आपको एक मंत्र पढ़ना होगा 7 बार, जो है वशीकरण का मंत्र। इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपकी समस्याएं दूर हो जाती हैं, और ये बहुत ही सरल उपाय है जिसको आप कभी भी कर सकते हैं और किसी को भी अपने वश में कर सकते हैं। आप सबसे पहले क्या करें, अपने बेड के ऊपर लेट जाएं, उसके बाद अपनी उंगली को आप उस इंसान के चेहरे को याद करें, अपनी उंगली को ऐसे करें और अब उस इंसान को जिसको वश में करना चाहते हैं उसके चेहरे को अपने मन में लाएं और इस उंगली को अपनी नाभि पर रखें। अपनी नाभि पर इस उंगली को रखने के बाद आपको एक मंत्र बोलना है 7 बार। मंत्र ध्यान से सुनिएगा। ओम नमो कामेश्वरी वश्य, ओम नमो कामेश्वरी वश्य, करो करो, ये आपको मंत्र बोलना है। मंत्र मैं एक बार फिर से दोहरा देती हूँ। ओम नमो कामेश्वरी वश्य, ओम नमो कामेश्वरी वश्य, करो करो, इस मंत्र का आपको जाप करना है और इस उंगली को अपनी नाभि पर रखना है। जब आप मंत्र का जाप कर रहे हो, अपनी नाभि पर उंगली रख लें और उस इंसान का ध्यान अपने मन में लगातार करते रहें जिसको आप पाना चाहते हैं। इस मंत्र का जाप आपको सिर्फ 7 बार करना है और उसी इंसान का ध्यान करते रहना है जिसको आप वश में करना चाहते हैं। तो जैसे ही आप ये उपाय करेंगे, मात्र 7 घंटे के अंदर, दावा करती हूँ, मात्र 7 घंटे के अंदर वह इंसान आपके बस में होगा। ऐसा करते ही वह इंसान आपके वश में तो होगा ही, साथ ही आपकी सारी बातें मानने लगेगा। अगर आपके पास इस उपाय को करने में कोई समस्या आ रही हो, या आप चाहते हो कि इस उपाय को किस तरीके से किया जाए पूर्ण रूप से जानना चाहते हो, विस्तार पूर्वक जानना चाहते हो, तो जो नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं आप इन नंबरों पर हमारे गुरु जी से संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि हमारे गुरु जी जब तप करते हैं बहुत सारी सिद्धियां प्राप्त करते हैं और उसके बाद ये वशीकरण के सरल और सटीक उपाय आप तक पहुंचाते हैं। तो आप जरूर इन नंबरों पर संपर्क करें, हमारे गुरु जी से प्राप्त करें यह सटीक उपाय और मुझे दें आज्ञा। जय माता दी।